भाई और बहन का ये त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। उसी का एक उदाहरण इंदौर की जिला जेल में देखने को मिला। इस मौके पर बड़ी संख्या में हर बहन जेल में बंद भाइयों से मिलने पहुंची और अपने बंदी भाई को मिठाई खिलाकर ढेर सारी शुभकामनाएं दी। भाई दूज पर जेल विभाग द्वारा अलग से कोई भाई दूज मनाने को लेकर आयोजन तो नहीं था, लेकिन बहनों ने अपनी मुलाकात में ही फोन पर अपने भाई को दीपावली की शुभकामनाएं दी, तो वहीं बंदी भाइयों ने अपनी बहनों को अपना आशीर्वाद देकर भाई दूज की बधाई दी। लेकिन हर बहन की आंखों में अपनों के साथ दीपावली पर्व नहीं मनाने को लेकर आंसू थे। जेल विभाग द्वारा इस दिन दोपहर 2 बजे तक मुलाकात का समय भी रखा गया था। भाई दूज के मौके पर जो मुलाकात हुई वो किस तरह पे हुई? कोई अलग से आयोजन किया गया या नॉर्मल फोन के द्वारा ही? आज भाई दूज के मौके पे हमारे यहाँ पर खुली मुलाकात देने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन क्योंकि त्यौहार है और इसीलिए सभी बहनें मिलने के लिए आती हैं, तो हमने जिस तरीके से प्रतिदिन हम मुलाकात देते हैं टेलीफोन के द्वारा, उसी तरीके से हमने इंटरफोन के द्वारा मुलाकात आज भी की। फिर भी कितनी क्या संख्या में कुछ महिलाएं आई हैं आज? आज लगभग 250 से 300 की संख्या में आई हैं मुलाकात, और इसमें ज़्यादा संख्या महिलाओं की है, और अभी भी ये मुलाकात जारी है। लगभग 2-2.25 बजे तक मुलाकात चलने की संभावना है। आज का टाइम कुछ बढ़ाया गया था? भीड़ को देखते हुए हमने, वैसे हम लोग 20 मिनट की मुलाकात कराते हैं, हमने कुछ 15 से 20 मिनट की आज भी मुलाकात दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।